فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وصعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. ناظرین اکرام اور عزاداران امام حسین علیہ السلام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، مسلسل عظمت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے اس آیت کے ضمن میں اپنے معروضات پیش کرتا چلا رہا ہوں. آج اس سلسلے کی پانچویں مجلس ہے اور آئے کریمہ میں پروردگار عالم نے یوں تو ظاہری اعتبار سے کل وجعلہا کلمتن باقیہ کہ پروردگار عالم نے کلمہ باقیہ یعنی کلمہ توحید کو، جو کلمہ توحید سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، خداوند عالم نے کلمہ توحید کو ہمیشہ کے لیے قرار دیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، یعنی اولاد ابراہیم میں. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آئے کریمہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آنے والے اولاد ہیں کہ جو جناب ابراہیم کے مشن کو، کہ جو توحید کی تحریک چلانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور شرک خاتمہ تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی اور شرک خاتمہ
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इनकलाब में, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तहरीक में शामिल थी, तो अल्लाह ने इसे उनकी नस्ल में करार दिया। और उनकी नस्ल में जिसके लिए खुद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि परवरदगार मेरी जुर्रियत में उसे बाकी फरमा, तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जुर्रियत में औलाद में करार दिया। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में रिशाद फरमाया कि आकबे ही से मुराद कयामत तक आने वाले इमामों को खुदावंद आलम ने जन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में करार दिया है। ये एक अजीम मंजिलत है हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, के आने वाले जितने भी अब इमाम नौ इमाम होंगे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से। मैंने आपकी खिदमत में अजमत इमाम हुसैन के हवाले से कुरान की आयतों और हुजूर अकरम की अहादीस और रिवायात की रोशनी में मैंने अर्ज किया। आज कुछ खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाती कमालात और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीगर जो फजाइल, उनकी रोशनी में अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा खाका, वरना हम गुनहगार नाचीज फकीर अदना कौन है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अजमत का तारुफ करा सके। जहाँ इंसान की फिक्र का परिंदा पहुँच नहीं सकता, जहाँ इंसान की सोच जा नहीं सकती, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम और वह हुसैन इब्न अली की मंजिलत है। मगर बहरहाल हम उनके कमालात और उनके दीगर फजाइल से अजमत और मंजिलत इमाम हुसैन का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जिससे हम अपने दिल में इमाम हुसैन की मारफत में इजाफा कर सकते हैं। आप सुनते रहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपके जो अफ़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में थे, वो खुतबा देना हुजूर अकरम का इमाम हुसैन को लेकर के आगोश में मिंबर से खुतबा देने का, मैंने यहाँ तक आपकी खिदमत में अगर याद हो अर्ज़ किया। और इसी के बाद एक दो और हकायक हैं और वो फजाइल हैं, मनाकिब हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से मखसूस है, मैं उसकी तरफ एक इशारा करके फिर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमालात में, इमाम हुसैन के फजाइल में एक फजीलत ये कि आपका बचपना है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने नाना को हालत नमाज में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सजदे के आलम में, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं मस्जिद में और तमाम सफ़ों को चीरते हुए रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं, और आप हालत सजदा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते पैगंबर पर सवार हो जाते हैं, और हुजूर अकरम का सजदा तूलानी होता जाता है, हुजूर अकरम का सजदा लंबा होता जा रहा है, जब तक हुसैन नहीं उतर आएंगे उस वक्त तक हुसैन इब्ने, जब तक हुसैन नहीं उतर आएंगे उस वक्त तक रसूलुल्लाह अपने पेशानी मुबारक को, सर मुकद्दस को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, यहाँ तक के दो मरतबा, तीन मरतबा, 70 मरतबा जिक्र परवरदगार सजदे में रसूलुल्लाह ने किया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त से नीचे आए, तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को सजदे से उठाया। ये एक बज़ाहिर मामूली वाकया लग रहा है, बज़ाहिर एक बच्चे का किसी नमाज पढ़ने वाले की पुश्त के ऊपर सवार हो जाना लगता है, लेकिन बच्चा आम बच्चा नहीं है, नमाज पढ़ने वाला कोई आम मोमिन नहीं है कि जिसके लिए आप कहें कि ये हमारे और आपके यहाँ होने वाले वाकये की तरह से है
कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो कोई बच्चा आके सजदगा लेके चला जाता है, कोई तस्बीह लेके चला जाता है, कोई कुछ करता है, कोई खेलने लगता है, आप कहें कि ये बच्चा है। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप बच्चा नहीं कह सकते हैं, ना बच्चा कह के ये वाकया को टाल सकते हैं, ना उसके फजाइल को जो छिपा सकते हैं, ना इमाम हुसैन की इस अजमत का इनकार कर सकते हैं, ना उसके फजाइल को हल्का कर सकते हैं। हुजूर अकरम की नमाज है खल्क अव्वल में, मखलूकात अव्वल मखलूकात खुदा में सबसे अजीम मखलूक है, खल्क अव्वल है वो पैगंबर जो अपनी नमाज को वाकई जैसे खुदा की इबादत करनी चाहिए इस तरीके से नमाज अदा करते हैं, वो अपनी नमाज को इमाम हुसैन के पुश्त पर आ जाने की बिना पर तूलानी करते जाएं, उस सजदे को बढ़ाते जाएं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बच्चे होने के उनवान से और रसूलुल्लाह का एक आम मोमिन होने के उनवान से ये फेल अंजाम देना नहीं है। रसूलुल्लाह जमाने के अल्लाह के रसूल हैं, इमाम हुसैन भी अगरचे वो छोटे हैं बचपना है, मगर इमाम होता है जो इमाम होता, अगरचे उसके इमामत का मनसब न चल रहा हो, जमाने मनसब इमामत पर न हो, लेकिन वो इमाम इमाम होता, उसका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। वो बच्चा होता है तो इमाम होता है, बड़ा होता है तो इमाम होता है, बूढ़ा होता है तो इमाम होता है, मनसब पर फायज है तो इमाम है, मनसब पर फायज नहीं है तो इमाम है। लिहाजा ये फेल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया इसकी क्या हिकमत है? यकीनन इसमें सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अजमत के ऐलान किए जाने के अलावा और कुछ नहीं। इस तरीके से उम्मत को, मुसलमानों को इमाम हुसैन की हर हर अदा और हर हर अंदाज से उनकी अजमत का ऐलान कर दिया जाना मकसूद है, वरना अगर आम बच्चों की तरह से हो तो होता क्या है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा और बच्चा उधर गया तो लोग कहते हैं कि देखो खबरदार उस तरफ न जाना इसलिए कि नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह की इबादत, बच्चों को रोका जाता है, बच्चे को उधर जाने से मना किया जाता है। और खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा किसी की नमाज की हालत में उसके पुश्त पर सवार हो जाए तो बहुत ही बुरा माना जाता है और बहुत जल्दी उसे उस जगह से उतार के, उसे हटा के वहां से दूर कर दिया जाता है, रोका जाता है उसे। लेकिन जब हमने पढ़ा तारीख में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पैगंबर पर सवार हुए तो घर में, बाहर, असहाब में, चाहने वालों में कोई ऐसा नहीं, ये चलिए कोई नमाज पढ़ रहा हो सकता है, कोई और भी हो जिसने ये देखा हो अमल, मगर किसी ने नहीं रोका। ऐसे मौके पर अगर गलत हरकत होती है तो बच्चों को रोका जाता है, मगर हमने इस मौके पर अगर देखा किसी को कि वो रोके तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, लेकिन इमाम हुसैन से नहीं कहा कि तुम रसूल की पुश्त से उतर जाओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं रोका कि ये हरकत ना करो। अगर जिब्रील ने मना किया तो खुद रसूलुल्लाह को मना किया कि खबरदार जब तक हुसैन उतर न जाए उस वक्त आप सजदे से सर न उठाइएगा। इसका मतलब यह है कि ये बच्चा होने के उनवान से पुश्त पैगंबर पर सवार नहीं, और पैगंबर एक आम मोमिन होने के उनवान से अपने नमाज को तूल नहीं दे रहे थे, बल्कि ये एक इरादे पैगंबर था कि जो इरादे परवरदिगार था कि जो पैगंबर के जरिए से हालत नमाज में पुश्त पर इमाम हुसैन के आ जाने से अजमत इमाम हुसैन का ऐलान किया जा रहा था कि मुसलमानों देख लो जिस हुसैन के अजमत का ये आलम हो कि अल्लाह अपनी नमाज में अपने हबीब को उनके खातिर रोक सकता है तो फिर बताओ हुसैन इब्न अली का कितना मकाम और मंजिलत होगी। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजान गिरामी इसीलिए हमें इन तमाम वाकयात से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत में इजाफा करना चाहिए
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस करामत और इन तमाम कमालात और इन तमाम अजमतों को एहसास करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इजाफा करना चाहिए। यह एक वाकया था। और खुद इमाम हुसैन के एक और जाती किरदार और जाती कमाल और फजाइल की तरफ इशारा करूं कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अभी गहवारे में हैं, वो फितरुस वो मलक के जिसको परवरदिगार आलम ने एताब में मुब्तला किया और वो किसी आसमान के जजीरे में पड़ा हुआ न जाने कितने सालों से वो इंतजार में कि खुदा की तरफ से आफ़ दरगुजर हो, लेकिन जब एक मरतबा उसने आसमान से जमीन की तरफ जाते हुए फरिश्तों को देखा, फौज दर फौज जमीन पर जा रही है फरिश्तों की फौज, तो एक मरतबा पूछा कौन है क्यों जा रहे हैं, तो कहा कि खुदा बंदे आलम के आखिरी नबी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है जिसकी मुबारकबाद देने के लिए फरिश्ते जा रहे हैं। तो जिब्रील थे जो लेके जा रहे थे, जिब्रील से कहा क्या मुझे भी तुम लेके जा सकते हो अपने साथ, जनाबी जिब्रील ने उनको अपने हमरा लिया। अलबत्ता यहाँ भी इज़्ने परवरदगार है, इसलिए कि जनाब जिब्रील भी कोई काम ऐसा, फरिश्ते कोई काम ऐसा करते नहीं है कि जो बगैर खुदा की मर्जी के हो। इसका मतलब ये कि वो ये मलक वो चाहे दरदाइल हो चाहे वो फितरुस हो या कोई भी मलक हो, जिस नाम से भी इस तरह के वाकयात मिलते उसमें ये चीज मुश्तरक है कि जब खुदा ने उसे अजाब में मुब्तला किया तो जब तक खुदा की मर्जी नहीं शामिल होगी उस वक्त तक उसको किसी बारगाह से शिफा नहीं मिल सकती है। जनाब जिब्रील ने इजाजत ली परवरदेगार से, उसको अपने हमरा लेकर के आए हुजूर अकरम की खिदमत में। जिब्रील गए, अर्ज किया ऐसे ऐसी बात है, तो कहा अगर लेकर के आओ तो जाओ लेके जाओ वहां जहां लेके आयो, यानी गहवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। और फितरुस को हुक्म मिला कि वो गहवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने जिस्म को मस करे। इधर फितरुस ने गहवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने को मस किया, ताजा पर उसके निकल आए और उसे पूरी तौर से शिफा मिल गई। तो वहां से वो कहता हुआ आसमान की तरफ गया कि मैं खुश नसीब हूं कि अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करदा हूं। ये मलक में अतीकुल हुसैन के नाम से ये मशहूर और मारूफ था, और जब वो फख्र करता था तो नाज से कहता था कि मैं हुसैन का आजाद करदा हूं। अब मैं यहां आपकी खिदमत में अर्ज करूं एक जुमला कि फितरुस किसी न किसी फख्र और किसी न किसी एहसास बुजुर्गी की बिना पर खुदा की जानिब से तुझे अजाब मिला था, फिर फरिश्तों के दरमियान मलक के दरमियान फख्र कर रहे हो और एहसास बुजुर्गी और इजहार बुजुर्गी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर वही अताब आ जाए और अजाब आ जाए तुम्हारे ऊपर। तो फितरुस कह सकता है कि हाँ ये तो हो सकता है, मगर मुझे हुसैन ने जिंदगी दी है, मैं हुसैन की बारगाह से आजाद किया हुआ हूं, और हुसैन की बारगाह इतनी अजीम बारगाह है कि खुद परवरदगार आलम हुसैन से इतनी मोहब्बत करता है कि परवरदगार आलम हुसैन के तुफैल में और उनकी अजमत की बिना पर हमें अपने निगाह करम में रखने वाला है। तो ये देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बज़ाहिर ये भी एक छोटा सा वाकया और एक रूनुमा होने वाला जो है वो एक वाकया लग रहा है, मगर ये एहसास करें जैसा जरा इस वाकये के पहलुओं की तरफ दिक्कत करें तो इस वाकये के अजमत का अंदाजा होता है और उसी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमाल का पता चलता है। हमारे और आप के दरमियान भी बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जिनकी जिनका सोर्स होता है, जिनके पहचान होती है, जिनके यहाँ एक दूसरे से रवाबित होते हैं, मगर वो रवाबित महदूद होते हैं।
एक शहर के लोग उसी शहर से राबता करते, तो अगर किसी को कोई मसला है तो वो वहीं रह के अपने राबते से उसके मसले को हल कर देता। मुल्की पैमाने के ऊपर मसाइल होते हैं तो मुल्क के पैमाने, मगर अगर मुल्क से बाहर का कोई मसला है तो फिर हुकूमतें उस मामले में हाथ नहीं डालती, इसलिए कि वो कहते कि हमारा अख्तियार अपने मुल्क के अंदर है, लेकिन मुल्क से बाहर सरहद के उस तरफ जो मुल्क है वहां उसका अख्तियार है, हमारा वहां अख्तियार नहीं है। लेकिन हम देखते हैं हुसैन इब्न अली के इख्तदार का आलम यह है कि मसला जमीन का नहीं है, बात जमीन वालों की नहीं है, बात इंसानों की नहीं है, मसला आसमान का है, बात फरिश्तों की है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते को जो आसमान पे रहने वाला है उसके मसले को हल करके बताना चाहते कि देखो मेरा इख्तदार सिर्फ जमीन के हुदूद में महदूद नहीं है, बल्कि मेरा इख्तदार जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, हमारा इख्तियार इंसानों के ऊपर भी है, मलाइका के ऊपर भी है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अजीजाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके कमालात और उनके जाती फजाइल की बुनियाद पर अगर समझे तो एक और सिलसिला है, न जाने कितने करामतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिन लोगों ने बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने मसाइल हल किए, ये तो मलक की गुफ्तगु थी। अगर इंसानों ने इस दुनिया में आकर के जिन लोगों ने इमाम हुसैन की बारगाह से हासिल किया और इमाम हुसैन ने उनको अता किया, अगर इस जिम्न में इन वाकयात के ऊपर निगाह डाली जाएगी तो न जाने कितने ऐसे कमालात और न जाने कितने ऐसे वाकयात नजर आएंगे कि जो हुसैन इब्न अली की अजमत के ऊपर दलालत करते हैं। इस एतबार से अगर आप देखें खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस आपके सामने बयान की, उन हदीसों के जिम्न में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहाबा में, ताबईन में, मुसलमानों में, उम्मत के दरमियान जो मकाम और जो मंजिलत रखते थे वो किसी और को हासिल नहीं था। इसीलिए जो वाकई मुसलमान अल्लाह का कलमा पढ़ते थे और रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाए थे, रसूलुल्लाह की वफात के बाद, रसूलुल्लाह के दुनिया से चले जाने के बाद, उनके लिए उनके दिल के ढारस जनाब सिद्दीका ताहिरा अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम हसन इमाम हुसैन थे। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इन हस्तियों को पहचानवा दिया था, खास तौर से इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ अंदाज से आपने उनका तारुफ करा दिया था और लोगों के दिलों में हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को बिठा दिया था। इसलिए एक तरह से कह लीजिए रसूल का गम इन चारों हस्तियों के वजूद की बिना पर हल्का हो गया था, कम हो गया था, मगर जनाब सिद्दीका ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा मुख्तसर मुद्दत दुनिया में गुजार के जब वो चली गई दुनिया से तो मौलाए कायनात रहे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात से भी लोग मोहब्बत करते थे, मगर तारीख में अगर आप देखें जितनी ज्यादा कसरत से चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले, इश्क में डूबे हुए हुसैन इब्न अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, वो शायद आपके पितर बुजुर्गवार से ज्यादा थे। क्यों? इसलिए कि मौलाए कायनात ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में शिरकत की और काफिरों को, मुशरिकों को तहतेक किया था, जिसकी बिना पर
कोई ऐसा अरब का खानदान या कोई ऐसा नहीं था कि जिसके किसी रिश्तेदार को मौलाए कायनात ने वासिले जहन्नम न किया हो न मारा हो, जिसकी बिना पर लोगों के दिलों में ज्यादा दुश्मनी पाई जाती थी मौलाए कायनात से। इसीलिए अमीर शाम माविया के सामने जब ये मसला आया कि जब हुसैन इब्ने अली ने तुम्हें रुस्वा कर देने वाला और तू सरजनिश कर देने वाला खत भेजा है, तो तुम भी एक ऐसा खत लिखो हुसैन इब्ने अली को कि जो उनकी तौहीन के ऊपर मुश्तमल हो, और हुसैन इब्ने अली को रुस्वा करो, माजल्ला उनकी भी सरजनिश वाला एक खत लिखो। तो माविया हैरान हो जाता है और माविया परेशान होता है इस मौके पर कि आखिर लिखे तो क्या लिखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अगर कुछ लिखे भी तो क्या लिखे। आखिर उसे यह कहना पड़ा कि हमने अपने एतबार से जो भी हो अली के बारे में तो झूठ ही सही क्यों ना हो ढूंढ लिया कुछ ना कुछ कहने के लिए अपने एतबार से, अपने लिहाज से, अगरचे मौला की जिंदगी में मौला के किरदार में भी कोई दाग नहीं था और न कोई ऐब पाया जाता था, मगर वो कहता है कि आखिर मैंने उनकी जिंदगी में कहने के लिए बराए बयान कह लीजिए मैंने कुछ ढूंढ लिया, मगर हुसैन इब्ने अली की जात में तो मुझे कोई ऐब दिखाई ही नहीं दिया। इसीलिए महमूद अक्काद ने जो मुअर्रिख हैं और दकीक मुअर्रिख हैं, तनकीदी जायजा लेने वाले हैं तारीख में, उन्होंने लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के लाख दुश्मन होने के बावजूद, इमाम हुसैन के लाख दुश्मन होने के बावजूद, दुश्मन ने उनके अंदर कोई ऐसा दाग या कोई ऐसा ऐब नहीं तलाश करके दिखाया कि जो उनकी जात के लिए या उनके किरदार पर कोई धब्बा होता। ये किरदार अहले बैत अलैहिस्सलाम, खास तौर से किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत है कि दुश्मन भी अगर चाहे ऐसा कोई ऐब ढूंढ के बयान करना तो वो भी नहीं बयान कर पाता और अपनी आजिजी का ऐलान करता है। इससे बढ़ के अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और क्या होगी। अगरचे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हदीस पैगंबर की रोशनी में सब को चाहिए था कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम मानते और उनकी क़यादत में अहले बैत अलैहिस्सलाम की क़यादत में और ख़ास तौर से इमाम हसन इमाम हुसैन की रहबरी में दीन हासिल करते, दीन के ऊपर अमल करते, मगर लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ बेवफाई की, लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत और उनके कमालात को नजरअंदाज किया, लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या इमाम हसन ने जो अपने पास इलाही मनसब इलाही ओहदा रखते थे उसमें किसी तरह की कोई जो है वो कोताही नहीं की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मीना के मैदान में तमाम हाजियों को जमा करके ऐलान किया कि देखो हम अहले बैत को खुदावंद आलम ने कितना मकाम और कितनी अजमत अता की है, और सहाबा और ताबीन के जहनों को बेदार किया और बताया कि अगर दीन की रहबरी उम्मत की क़यादत का अगर कोई हक रखता है और किसी के अंदर सलाहियत है तो हम अहले बैत पैगंबर हैं, हम अहले बैत पैगंबर के जिनके बारे में खुदा ने और रसूल ने भी कुरान में और अहादीस पैगंबर में सुन्नत पैगंबर में वो तमाम निशानियां मिल जाएंगी। मगर इसके बावजूद मुसलमानों ने न कुरान करीम की आयतों का ख्याल किया, न हुजूर अकरम की अहादीस का लिहाज किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में करबला में फौज जमा कर दी गई ताकि फरजंद जहरा को करबला के मैदान में प्यासा कत्ल कर दिया जाए और वो अपने सियासत और अपनी हुकूमत में कामयाब हो जाए। मगर हुसैन के चाहे अगर लोगों ने तनहा छोड़ दिया और हुसैन इब्ने अली की
इताअत नहीं की तो खुदा की कसम अल्लाह ने हुसैन इब्न अली को भी ऐसे साथी दिए, ऐसे चाहने वाले दिए कि उनकी नजीर रूए जमीन के ऊपर नहीं मिलती। के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में बुलाते हैं मुसलमानों को मदद करने के लिए, आवाज देते हैं और मुसलमान जंग से भाग रहा, मैदान से भाग रहा। मगर यहां चाहने वालों का कमाल यह है कि हुसैन इब्न अली शब आशूर चराग बुझा के इनको अपने पास से दूर चले जाने के लिए कह रहे हैं, मगर हर चाहने वाला कहता है खड़े होकर के, मौला ऐसी जिंदगी पे खाक हो कि हम आपको नरगए आदा में तन्हा छोड़ के चले जाएं। मुहर्रम की 5 तारीख अजादारान मजलूम करबला, हुसैन इब्न अली करबला में घिरते जा रहे हैं, हुसैन इब्न अली नरगए आदा में अकेले तन्हा, और मुख्तसर छोटी सी जमात को ये जालिम भूखा प्यासा बेयार मददगार करके कत्ल कर देना चाहते। हुसैन इब्न अली वहीं से अपने एक चाहने वाले को याद किया, कौन? हबीब इब्न मजाहिर, बचपने का दोस्त हबीब इब्न मजाहिर। ये वो हबीब इब्न मजाहिर है कि जिनको रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होने का शरफ भी मिला और रसूलुल्लाह ने हबीब इब्न मजाहिर को प्यार भी किया, उनसे मोहब्बत भी की और उनको अपने आगोश में लेकर के प्यार भी किया। क्योंकि हबीब इब्ने मजाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपने के दोस्त हैं, मगर दोस्त इस उन्वान से कि हबीब इब्ने मजाहिर अभी छोटे हैं मगर उनके दिल में हुसैन की अजमत और उनके दिल में हुसैन की इतनी मोहब्बत पाई जाती है कि रसूल ने खुद अपने आंखों से देखा कि ये हबीब मेरे बेटे हुसैन के साथ चल रहे, चलते चलते एक मरतबा बैठ जाता है और बैठने के बाद हुसैन के कदमों के नीचे की खाक उठा के आंखों से लगाता है और पेशानी से लगाता है। रसूलुल्लाह ने हबीब इब्न मजाहिर को उठा के पूछने वाले ने पूछा, या रसूलुल्लाह सिर्फ आप इसी एक बच्चे को प्यार कर रहे? कहा, हाँ, मैंने जो काम देखा है इस बच्चे से उसकी बिना पर मुझे इस बच्चे से मोहब्बत है कि ये बच्चा करबला में मेरे हुसैन के काम आने वाला है। और शायद इसीलिए हुसैन ने हबीब को करबला से याद किया और खत लिखा, इला रजुल फकी, मैं रजुल फकी के नाम खत लिख रहा हूँ। और इधर हबीब कूफे में है, कूफे में है, कैसे निकले? मगर वो भी अपने कैसे जगह पर छिपे हुए हैं जो मख्फी जगह है, और इब्ने ज़ियाद और इब्ने ज़ियाद के जासूसों से बच करके। मगर कबीले में मालूम होता है कोई खत आता है हुसैन इब्न अली की तरफ से, खबर दी जाती, उन्हें वो खत पहुंचाया जाता। जिस वे खत पहुंचता है, हबीब इब्न मजाहिर खाना खाने में मशगूल होते हैं, खत लिया, बीवी के पास आए और कहा, किसका खत है? पढ़ा, देखा, लिखा हुआ था, हबीब तुम्हें तो मुझे जो रसूलुल्लाह से रिश्तेदारी उसका तो इल्म है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं मालूम है तुम्हें बता देता हूँ। ए हबीब, मैं करबला में नरगए आदा में घिरता जा रहा हूँ, ए हबीब अगर हो जाए तो तुम मेरी नुसरा। हाय वो बचपने का दोस्त हुसैन अपने दोस्त को बुलाए और हबीब न जाए, मगर इम्तिहान लेने के लिए मोमिना ने जब पूछा तो कहा, हालात पुराशोभ है, कैसे निकल के जाए? इब्ने ज़ियाद घर को तबाह कर देगा, मिसमार कर देगा, उसे जब खबर होगी तो तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी? जैसे ही जौजा को मालूम होता है, एक मर्तबा खड़ी होती है और कहती, हबीब ऐसी जिंदगी पे लानत हो कि फरजंदे रसूल मदद के लिए बुलाए और तुम हालात का हवाला दो, बैठो मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगी। अरबाब अज़ा
खुदा किसी गम में न रुला है सिवाय गमे हुसैन के, सिवाय गमे हुसैन के। हबीब ने कहा नहीं मोमिना घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था, तुम्हें आजमाया था। एक मरतबा हबीब इब्न मजाहिर ने अपने गुलाम को रहवार दे करके कहा जाओ फला जगह इंतजार करना, मैं बचते हुए निकल के आता हूँ, फला जरात के पास जाके खड़े रहना। इधर हबीब को निकलने में देर हुई अरबाब अज़ा, उधर जब पहुंचे हबीब तो क्या देखा, घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे हैं, घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और गुलाम घोड़े के कान पे जाकर के कुछ कह रहा है। सुना तो क्या सुना, ए रहवार ए मेरे मालिक के घोड़े, तू रो नहीं गिरिया न कर, अगर तेरा मालिक न आया तो मैं तेरी पुश्त पर सवार होके करबला जाऊंगा हुसैन की नुसरत के लिए। हबीब ने जैसे ये कलाम सुना तड़प गए, अल्लाह फरजंद पैगंबर पर ये वक्त पड़ गया है कि घोड़े और जानवर भी आंसू बहा रहे हैं, ये गुलाम भी आपकी नुसरत के लिए आना चाहते हैं। इधर से हबीब चले, उधर का हाल सुनिए। हुसैन ने तरतीब लश्कर के लिए अलम को तकसीम करना शुरू कर दिया था और हर एक को अलम देना शुरू किया, मगर एक परचम बचा के रख लिया था, एक परचम बचा के रख लिया था। किसी ने पूछा आका ये परचम किसके लिए बचा के रखा है, हुसैन ने उस वक्त नहीं मालूम जवाब दिया या नहीं, मगर जब हबीब के पहुंचने का वक्त आया और एक तरफ से गर्द नमूदार हुई तो आवाज ए बनी हाशिम के जवानों उठो और देखो मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। इधर जब हबीब आए तो हबीब ने आके मौला की खिदमत में अपने को पेश किया, खुशी की लहर दौड़ गई सहाबियों में। ये खबर खैमे में जैनब को मिली तो जैनब ने कहा ऐसा लगता है असहाब में खुशी की लहर दौड़ी, देखो देखो तो कोई मेरे भैया का मदद करने वाला आ गया है क्या, इसलिए जब से करबला में आए कभी 2000 कभी 3000 कभी 4000 के लश्कर आ रहे हैं, मेरे भाई के दुश्मन मेरे भाई के कातिलों में इजाफा हो रहा है। फिजा आई खबर दी जाके ए शहजादी आपको मुबारक हो कि आपके भाई के पुराने दोस्त बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मजाहिर आ गए हैं। हार बाबे अजा जैनम ने एक और पैगाम दिया, ए फिजा जाओ हबीब को मेरा सलाम कह दो और कहना ए हबीब तुमने बहुत एहसान किया कुछ इस वक्त मेरे भाई की मदद के लिए आए। फिजा ने आके सलाम कहलाया और जब ये फिकरा कहा तो हबीब जमीन पर सर पकड़ के बैठ गए, आवाज दी अल्लाह सैदानिया मुझे सलाम कहलाए। आजादारो इस फिकरे की आज इस कदर इसकी कदर न होगी, अरे उस वक्त जिस हालत में जैनब ने सलाम कहलाया था अगर उस वक्त होते तो हबीबी की तरह से उसका इस्तकबाल करते कि हबीब ने सर पकड़ लिया। अल्लाह सैदानियों के ऊपर ये वहा जमाना आ गया कि गुलामों को सलाम कहला भेजे। लीजिए रात गुजरती रही, वो वक्त भी आया कि अब हबीब हैं कि जो रजज पढ़ते हुए मैदान में आए हैं और कहा मेरा नाम हबीब है और मैं मजाहिर का बेटा हूँ, मेरे हाथ में काटने वाली तलवार है, मैं जंग कर रहा हूँ, मैं तुमसे पीछे नहीं हट सकता हूँ, ये कह के हमला कर दिया, बहुत से लोगों को वासिले जहन्नम किया, मगर बूढ़ा मुजाहिद प्यासा मुजाहिद कमजोर मुजाहिद जख्मी मुजाहिद कब तक लड़ता रहा। उधर से एक शकी ने तलवार सर पे मारी और उधर से दूसरे ने नैजा मारा, हबीब जमीन पर गिरे और आवाज दी हुसैन आए सरहाने, एजादारो इस आलम में सरहाने आए कि हबीब की बस रूह निकल रही थी मगर इस आलम में भी हबीब ने वसीयत की अपने दोस्त के, देखो हुसैन का ख्याल
ख्याल रखना जब तक जिंदा रहना, हुसैन के ऊपर आंच ना आने पाए। लीजिए, हबीब की रूह परवाज कर गई, हुसैन ने मरसिया पढ़ा, रहम अल्लाह हबीबन, अल्लाह हबीब पर रहम करे, के एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लिया कर। سيعلمون الذين أي منقلب ينقلبون رزن بقضائه وتسليما لأمر پروردگارا بحق الزهراء وأبيها وبعل وغديها والسر المستودع في أمام زمانہ کے ظهور میں تعجیل فرما اللہ ہم سب کے اس عبادت کو قبول فرما پالنے والے اس عزاء حسین کو ہم سب کے لیے خاص طور سے بانی مجلس کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ شفاعت قرار فرما پالنے والے عزادار دنیا میں جہاں بھی ان کی حفاظت فرما اے پالنے والے جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں جو لوگ اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں پروردگار ان لوگوں کی اور دیگر تمام مومنین کی حاجتوں کو پورا فرما پالنے والے جو بیمار شفاء کلی عطا فرما جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما اے معبود دنیا میں آخرت میں شفاعت محمد آل محمد نصیب فرما بحق محمد والد الطاہرین